मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होने का मतलब है अपने कार्य स्वयं करना, ठीक है। तो इसके अंदर संख्यावाची शब्दातत एतत शब्द उच्च है। यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, संख्या से संबंधित आपके जो अंकों में होते हैं, ठीक है, एक दो तीन गिनती होती है हिंदी के अंतर्गत, तो वही हमें संस्कृत में कराई गई है इस पाठ के माध्यम से, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता जो थे वो समृद्ध थे, अर्थात धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। और उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभ। चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40, ठीक है। चत्वारिंशत् का मतलब है 40। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे 18। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे 50 गवाक्ष, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 स्तंभ प्रकोष्ठ अर्थात कमरे, 50 गवाक्ष अर्थात 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 विद्युत वजनानी अर्थात 36 पंखे च आसन थे, ठीक है, और थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति। और वहाँ पर 10 सेवक 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन दंपति थे, ठीक है, यानी गरीब पति पत्नी थे। इसी प्रकार अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। एकदा श्रीकंठ है तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत। एक बार श्रीकंठ उसके साथ में 9 उसके घर गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तब वहाँ पर कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने स्वशक्तिया अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात उसका वेलकम, उसका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृह एकोपि भृत्य नास्ति। बस मेरा दुख यही है कि तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है, ठीक है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जाता है। मेरा स्वागत सत्कार करने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृह तु बहव कर्म करा, मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्व नेत्रे, मेरे 2 पैर 2 हाथ और 2 नेत्र। द्वे श्रोत्रे और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। ये प्रतिक्षण हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव वृत्तिया सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वह सदैव हमेशा सब जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। भवितुं न शक्नुति अर्थात मतलब उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय वृत्त्याधीना, तुम अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वह अनुपस्थित होंगे, वह नहीं आएंगे, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबी होना सर्वदा सुखपूर्वक रहने के समान है, अर्थात स्वावलंबी होना हमेशा सुख का कारण है। न कदापि कष्टम भवति, इससे न ही कभी भी कष्ट होता है। श्रीकंठ अवदत। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है मेरे मन को। अधुना
अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं अपने कार्यों को स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादन मिदम सांप्रतम गृहम चलामि। भवतु आप सार्ध द्वादश वादन मिदम, ये स्वाद स्वयं करने के लिए इच्छुक था और उसने कहा भवतु सार्ध अर्थात 12:30 बजे सांप्रतम गृहम चलामि, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार ये दो मित्रों की कथा है। दो मित्रों के बारे में संख्यावाची शब्दों के बारे में बताया गया है, पंचाशत पचास। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं हम लोग। समृद्ध, समृद्ध मतलब धनी पैसे वाला। चत्वारिंशत चालीस, अष्टादश अठारह, प्रकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत पचास गवाक्ष खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत चवालीस, षट्त्रिंशत छत्तीस, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार किया, कर्म करा काम करने वाले अर्थात नौकर। ठीक है, भवताम आपके, वृत्तिय नौकर या सेवक, कर्म करा और शक्नुवंती का मतलब है सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा जो अध्याय है वह पूर्ण होता है। ठीक है, तो स्वावलंबन का मतलब है हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें संख्यावाची शब्दों का भी ज्ञान दिया गया है इस पाठ में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।